करा लीजिए वो कम सब कुछ हो रहा है। और ये फिल्म बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसका नाम है खूबसूरत पड़ोसन। वैसे पड़ोसन खूबसूरत ही हुआ करती है खूबसूरत पड़ोसन। और इसमें जो खास रोल है वो चार आर्टिस्ट के नाम मैं बता देता हूँ। गोविंद नामदेव जी हैं हमारे पास बैठे हुए, भाई मैं हूँ, और ऋतु परना चार के इसमें काफ़ी किरदार हैं, काफ़ी काम है, काफ़ी रोल है। तो आज जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें इट्स अ ड्रीम सीक्वेंस, बहुत खूबसूरत गाना है जो हमारे बप्पी लहरी जी की ही फैमिली के बच्चे ने गाया, जो उनकी बेटी रीमा जी का। और इसमें जो रीमा जी हैं वो उनके हस्बैंड, ये दोनों प्रोड्यूसर्स हैं। तो इस फिल्म को हमारे लालपुरी जी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि लोगों को कुछ नई खूबसूरती इसमें देखने को मिलेगी, नयापन मिलेगा। याद होगी आपको वो फिल्म पड़ोसन, कितना हंगामा किया था उस फिल्म ने। तो ये नई पड़ोसन है और खूबसूरत पड़ोसन है। क्या कहना राजपाल जी? नहीं नहीं, लगभग आपने सब अच्छे से बताई दिया है। और अभी शुरुआत हुई है फिल्म में, तो आई थिंक जो अनूप साहब ने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो बिल्कुल वही है। और इससे ज़्यादा हम एक्टर लोग ना कैरेक्टर बता सकते हैं ना स्टोरी बता सकते हैं। बिगनिंग है, बिगनिंग बहुत अच्छी लग रही है। और ये फिल्म जैसा कि सर ने बोला कि फिल्म के माध्यम से जुड़ के, एक्चुअली मैं बताऊँ, मैं बप्पी दा को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। क्योंकि एक ऐसा परिवार जैसे बप्पी दा, कई बार मुलाकात हुई, कई बार आशीर्वाद मिला, लेकिन उनके साथ काम करने का सौभाग्य नहीं मिला। तो जब ये प्रोजेक्ट आया तो हमने आँख बंद करके बोला कि वो जो है वो बप्पी दा का घर है, परिवार है, वो मेरा भी परिवार है। मैं गोविंद साहब से मिल चुका हूँ लंदन में, ये आज से 5-6 साल बहुत पहले छोटे थे। और इन्होंने ये जो गाना गाया है, मैं तो जब मुझे बताया गया कि वो बप्पी दा ने नहीं इन्होंने गाया है, मैं तो बप्पी दा का गाना समझ के उसको सुबह से परफॉर्म कर रहा था, कोई फर्क नहीं। तो ऑल द बेस्ट पूरी टीम के लिए, और बस हम लोग भी इसका हिस्सा हैं, बस मेरा सौभाग्य। जी मैसेज। और सबसे अच्छी बात है कि गोविंद भाई जी ने हमेशा 20 साल में ये कपड़े पहने हैं और इन्होंने ये कपड़े पहने हैं। ये ड्रीम सीक्वेंस में पॉसिबल हो पाया कि मैं आपके कपड़े पहने बैठा हूँ, आप मेरे कपड़े आपको पहना के बिठाया। हमने पाली में जो शूट किया है बहुत ही जैसे शूटिंग हुई है, जैसे अनिल डाना जी और राजन जी की जोड़ी ने शूटिंग की है, जैसे स्क्रिप्ट शेप अप हुई है। मैं बहुत होपफुल हूँ कि ये फिल्म बहुत अच्छी बन रही है और बहुत अच्छी बनेगी। और जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है इस के टाइटल से, खूबसूरत पड़ोसन, वो उनकी उम्मीदें पूरी होंगी। सबको खूबसूरत लगे, हमें भी बोलना चाहता हूँ राजन भाई, राजन भाई हमारे कैमरामैन साहब, पूरी टेक्निकल टीम हो यहाँ पे, जितने भी पानी पिलाने वाले से लेके पानी देने वाले तक, सबको बहुत बहुत बधाई। दादा की एक प्रोजेक्ट था, कुछ डायरेक्टर है राजन जी, एक दिन में बैठा हुआ था तो वो आए कि गोविंद भाई, मेरा भी नाम गोविंद भाई है, ये भी गोविंद भाई है, डबल गोविंद भाई। बोला बंसली ऐसा है कि प्रोजेक्ट है दादा ने, इसमें बड़ा अच्छा थी, मैंने मुझे सुनाओ, उन्होंने आधा घंटा मुझे सुनाओ। मैं बोला इनको कितने दिन में इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बोला एक हफ्ते में, मैंने स्टार्ट करो। ऐसे इसका श्री गणेश हुआ। उससे पहले मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, दादा का और फिल्म है मैं दीवाना हूँ तेरा, वो दादा ने लगभग कम्प्लीट किया, तो वो इसी कारण से रिलीज नहीं हो पाया, तो उसको भी मैं 27 जनवरी को रिलीज कर रहा हूँ। वो लगभग काफ़ी बड़ी फिल्म थी दादा ने बनाया था, और वो 27 जनवरी को उसको रिलीज कर रहे हैं। उसके बाद ये मार्च में ये वाली फिल्म रिलीज कर रहे हैं। और मैं अभी जैसे मैं इसमें एंटर हुआ हूँ, तो मेरा ये टारगेट है कि साल में 3-4 फिल्म बनाऊँगा, और आने वाले 2-3 महीने में बॉलीवुड के सुपर टॉप आर्टिस्ट लोगों को भी मैं लॉन्च, मतलब इसमें अभी
अभी जूनियर आर्टिस्टों को लॉन्च किया है। ये मेन आर्टिस्ट हैं, जो भी है ना ब्रांडेड और भी जो बड़े बड़े सबको मेरी इच्छा रखता हूँ सब अपन सब ये तो भी फैमिली है अपनी। ये अपन फर्स्ट जॉइंट में एज ए फैमिली ये तो है ही अब बड़े आर्टिस्ट हैं, ये तो सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं कि वरना कोई फिल्म कंप्लीट नहीं होती है। यहाँ सब लोगों का एक कॉम्बिनेशन है, वही मेन कॉम्बिनेशन है, पर अपन को इसको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाने का मेरा टारगेट। रेगो का भी अभी धीरे धीरे दादा के आशीर्वाद से बढ़ रहा है, वो भी उसका अभी एक एल्बम भी नौ गाने रिलीज होने वाले एक रिलीज हुआ, वो भी काफी सुपर हिट हुआ अभी एक हफ्ते पहले ही हुआ। दूसरा गाना भी अभी रिलीज होगा उसका 10 तारीख को, तो ऐसे उसका भी दादा का आशीर्वाद है, हम लोग सबके आशीर्वाद से लेंगे, सब लोगों का आशीर्वाद है। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मेरा वॉइस बज रहा है लेजेंडरी एक्टर्स लोग के साथ, राजपाल जी, गोविंद रामदेव जी, अनुज जलोटा जी, तो मैं बहुत खुश हूँ। और दादू को सबसे ज़्यादा मिस कर रहा क्योंकि मैं उनके ट्यून में मैं गाया हूँ, और जब और अगर वो यहाँ पे रहते थे तो उनको बहुत गर्व होता था दैट मेरे गाने में सब लोग इतना इतना शूटिंग हो रहा है। तो ये मेरा फर्स्ट डेब्यू है प्रोफेशनल फिल्म में, मैं पहली बार गा रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। गोविंद साहब बहुत ही अच्छे, बहुत पॉजिटिव इंसान हैं और बहुत ही मित्रवत सबसे, बहुत ऐसे ही अच्छा है कि हंसते हंसते कट जाए रस्ते। राजपाल जी से लंदन में ऐसी चर्चा हो रही, राजपाल जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, मेरे को बोला एक बार, मुझे याद है कि बंसल जी दो तीन प्रोजेक्ट है, अपन वो टेरेस पे घूम रहे थे कि इसको अपन बनाते हैं, मुहूर्त ऐसा निकला कि भाई इसमें किसको, राजपाल जी, अरे मैंने श्री गणेश करो राजपाल जी से भाई। अच्छा ये बात मुझे पता नहीं था, तो मैं मतलब राजेंद्र जी हमारे ये सब राजेंद्र है कोई जाता है बीसी, उन्होंने सबसे पहले मेरे को ये स्टोरी लेके आए, और अपने बालाकृष्ण जी लेके आए, 10 मिनट में इन्होंने स्टोरी सुनाया, और मैं बोला कितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों हफ्ते में स्टार्ट कर इस तरह से फ्लोर पर गया। आज का सीक्वेंस ये बेसिकली जो इनका रोल है, अनुज जी चीफ मिनिस्टर हैं, ये उनके ऑफिस में प्यून हैं और ये एक मिनिस्टर हैं, तो इनका एक ड्रीम सीक्वेंस है, ये ड्रीम में देखते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, अनुज जी प्यून हो गए हैं और ये भी प्यून हो गए हैं। तो ये इस टाइप का सीक्वेंस है, वो गाना है, एंटरटेनिंग गाना है, तो बेसिकली एक डिफरेंट टाइप का ड्रीम सीक्वेंस है। तो काफी नहीं खूबसूरत प्रोडक्शन अभी जैसे बन रही है, जिस तरह से शेप अप कर रही है वो तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखो आगे तो ऑडियंस बताएगी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, थैंक्स फॉर कमिंग, आप सब आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे सबकी खूबसूरत हो, यही दुआएं करते हो, पड़ोसन अच्छी हो। मैं सुना देता हूँ, समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहां है, हर दिल में देखो मोहब्बत जमा है, खूबसूरत पड़ोसन। क्या एंड किया है, बहुत सुंदर। चलो आओ, नोट देकर वोट लिया, जीता इलेक्शन नेता बना, सबको कुर्सी से घेरा दिया, सीएम की कुर्सी से चिपक गया, सेवा सेवा सेवा, जो करेगा पाएगा मेवा, सेवा सेवा सेवा, जो करेगा पाएगा मेवा। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। रीमा कुछ बोलिए, हमारी प्रोड्यूसर। नहीं बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, एंड हमारे साथ हो आप, और दादा का आशीर्वाद तो है ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस,
मेकिंग आवर मूवी आई होप इट्स अ बिग सक्सेस एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अच्छे से सब शूटिंग हो जाए आप लोग अच्छे से सब करके रिलीज करें एंड थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड आशीर्वाद आपकी बेस्ट विशेस चाहिए और कुछ दुआएं आज का तो पूरा सेवन के सर है लॉलीपॉप सर माइक पे बोलो बहुत चले सर काम पे लग जाए चलो अभी ये लाइट कर लो ये एक्चुअली ये पैकेज के सूत्रधार ये है ये सभी को जोड़ने का असली काम ये किया है बाला कृष्ण जी हाँ यार आप आज मेरा पहले ही दिन है तो मुझे पता नहीं आज तो नहीं अभी तो लेकिन अच्छा ये है कि फिल्म खूबसूरत बने तो सब लॉलीपॉप सर सर आप दो शब्द आप बप्पीदा के सम्मान में बप्पीदा की तो याद बहुत आ रही है जब तो लिटरली आँख में पानी थे हम लोगों के बिकॉज आई हैव डन लॉट्स ऑफ वर्क बहुत काम किए बप्पीदा के बप्पीदा को तो लास्ट मैंने डांस भी करा है और वो माने इसके लिए कि मैं था राम भाई पिक्चर में उन्होंने बोला कि क्या लोली क्या बोल रहे हैं लोग डांस मैंने बोला कि यार थोड़ा कराओ मैं हूँ ना बोले तू है ना करता तो उन्होंने डांस भी किया तो वही लास्ट हमारी यादें हैं बप्पीदा के साथ में और उसके बाद अभी हाँ आज उनका गाना ने गाया है तो आई एम फीलिंग द सेम थिंग यू नो एंड इट्स अटैचमेंट मेरे बचपन का रिलेशन है मैं उनके ऑर्केस्ट्रा में डांस करता था बप्पी लेरी नाइट में सोलो डांस तो उसके बाद करते करते आज ये फैमिली के साथ मैं अटैच हूँ तो आई थिंक आई एम अ लकीस्ट पर्सन बप्पी दा के साथ और राज जी मिले हैं तो आई थिंक दैट ये गाना आइकॉनिक होगा इनके लिए मुझे ऐसा अंदर से एक फीलिंग है कि इनको ऐसे डांस करते हुए मुझे लगता है कि क्या पहले टाइम देखेंगे कोरियोग्राफी डांस सब डांस करते उनको छोड़ देते नाचो ऐसा नहीं इन्होंने विद डांसर्स कॉम्बिनेशन करके इतने गाने को इन्होंने वन अप टेन अप करके लाया हुआ एंड आई थिंक दैट ऑडियंस विल एंजॉय इट्स अ फन सॉन्ग इट्स अ फन सॉन्ग अब मैं शर्मा गया थैंक यू दादा थैंक यू